أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ویورز ہم کر رہے ہیں فرسٹ ایئر کی بیسک سٹیٹسٹکس چیپٹر نمبر 2 ہے پریزنٹیشن آف ڈیٹا اس کے لانگ کوسچنز ہیں کوسچن نمبر 11 ہے دا گریڈز ان میتھمیٹکس آف 50 اسٹوڈینٹ آر ایز انڈر ہمارے پاس 50 اسٹوڈینٹس کا ڈیٹا گیون ہے ان کے مارکس ہیں میتھمیٹکس میں From a frequency distribution taking intervals of 5 grades like 50 to 54, 50 to 59. हमने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेनी है बनानी है क्लासेस हमने लेनी है 50 से 54, 55 से 59. ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम ऑफ द ग्रुप डेटा फॉर्म्ड इन ऑन द ग्राफ पेपर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना अपने फ्रेंड्स के साथ टीचर्स के साथ शेयर करना मैं स्टूडेंट के साथ शेयर करना ना भूलिएगा इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें कंप्लेन है कि हमें बाकी के क्वेश्चन नहीं मिलते तो आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं इसके थोड़ा सा नीचे आए तो आपको इस तरह का एक आइकन नजर आएगा इस पे क्लिक करें क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप मेरे चैनल के होम पेज पे पहुंच जाएंगे होम पेज पे वहां पे प्लेलिस्ट है टॉप पे ही या वहां पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन भी आ रहा होता है ऊपर टॉप पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें तो वहां पे आपको सारी बुक्स कम्प्लीट मिल जाएंगी और रेंज वाइज क्वेश्चन उसके मिल जाएंगे आपको जो बुक चाहिए आप उस पर क्लिक करें सारे आपको अरेंज वाइज जो है इस साइड पे राइट हैंड साइड पे सारे क्वेश्चन जो है वो अरेंज वाइज मिल जाएंगे तो आप वहां से जो है वो देख सकते हैं अब आते हैं क्वेश्चन पे अब सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लासेस बनानी है डाटा हमारे पास गिवन है अब सबसे पहले देखिए हमें गिवन था 50 से 54 55 से 59 अब यहाँ पे आपने 55 ऐड करते जाना है 55 में 5 ऐड किया 60 आ गया 5 ऐड किया 65 आ गया 5 ऐड किए 70 आ गया इस तरह हमने यहाँ पे देख लेना है सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपके पास कौन सी है यहाँ पे देखिए हाईएस्ट वैल्यू आपके पास 94 है ठीक है फिर आपने यहाँ पे जो है वो ऐड करते जाना है वैल्यूज 54 में 5 ऐड किए 59 आ गए इसमें 5 ऐड करेंगे 64 आ गए इसमें 5 ऐड करेंगे 69 आ गए ठीक है सो जहां तक आपकी लार्जेस्ट वैल्यू नहीं आ जाती आपने वहां तक ऐड करते जाना है ठीक है इस आपके पास क्लासेस हो जाएंगी अब देखिए सबसे पहले आपके पास है 68 आपने क्या करना है 68 है आपके पास आपने यहाँ पे देखना है 68 यहाँ पे आता है ठीक है इसमें तो यहाँ पे आ गया आपने एक टैली लगा लेना है लाइन लगा लेनी है फिर 76 है फिर आपने देखना है 76 कहाँ आता है 76 हमारे पास इसमें आता है तो ठीक है आपने यहाँ पे इसके आगे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है टैली यानी कि ड्रॉ कर लेना है फिर आपने 71 देखना है इसमें आता है ठीक है इसमें तो आपने क्या करना है यहाँ पे 71 के आगे एक लाइन ड्रा कर लेनी है इस सामने देखते जाना है वैल्यूज और वो जिस डेटा में आता है वहां पे आपने आगे टैली ड्रॉ करते जाना है इस तरह ये सारे आपके पास टैली ड्रॉ हो जाएंगे जब फिफ्थ लाइन आएगी तो आपने ऊपर लाइन लगा देनी है ठीक है इट मीन्स ये 5 है हमारे पास फिर आपने इन टैली को काउंट कर करके आगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉलम बना लेना है इस तरह से 1 थे तो आगे आप 1 लिख लेंगे 2 थे तो आगे 2 लिख लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी का हमने कॉलम बना लेना है फिर ये 7 है टोटल तो आपने आगे 7 लिख लेना है इस हमने सारा डाटा जो है वो काउंट कर लेना है ठीक है अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की हाईएस्ट वैल्यू 95 भी है आपके पास ठीक है तो ठीक है आपके पास 95 वाला भी आएगा फिर 97 भी है आपके पास तो हम ये भाई लास्ट क्लास भी लेंगे 95 से 99 वाली क्लास भी लेंगे ठीक है इसमें 3 आ गए जब मैंने टैली लगाने शुरू किए तो मुझे पता चला तो यहाँ पे 3 आ गया अब आपने इस टोटल नंबर को काउंट करना है अगर तो इसका सम आपके पास 50 आ जाता है ठीक है इसका सम आपके पास 50 आएगा आप इसका सम करके देख रहे आपके पास 50 आएगा और टोटल देखें यहाँ पे आपके पास 50 स्टूडेंट्स थे ये दोनों अगर इक्वल आ गया तो इट मीन्स आपका डाटा ठीक है अब आपने क्या करना है हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं अब हम क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं इसमें से इसे माइनस किया ठीक है 1 आ गया 1 पे 2 पे डिवाइड करें 0.5 आ गया अब वो जो आपके पास 0.5 आया है इन सारी वैल्यूज में से 0.5 को माइनस कर दें ठीक है
50 में से 0.5 आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 49.5। 54 में 0.5 ऐड करना है, इस सारी लाइन में आपने 0.5 ऐड करते जाना है, ठीक है। 59 में 0.5 ऐड करेंगे तो आपके पास 59.5 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से यानी कि आप माइनस करते जाएं तो आपके पास ये वाला कॉलम आ जाएगा, और इसमें आप ऐड करते जाएं तो आपके पास ये वाला कॉलम आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास बन जाएंगी क्लास बाउंड्रीज, और ये इस तरह से आपका जो कंप्लीट है वो बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने बनाना है हिस्टोग्राम। अब यहाँ पे देखिए, आपने क्लास बाउंड्रीज देखनी है। आपने मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक्स एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस पे हमेशा हम कोई भी दूसरी चीज लेते हैं, ईयर्स गिवन हो, वैल्यूज गिवन हो, या कोई भी यानी कि चीज गिवन हो, वो हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी हमेशा हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। फ्रीक्वेंसी पे आपकी मर्जी होती है, 1-1 का डिस्टेंस ले लें, 2-2 का ले लें, 3-3 का ले लें, लेकिन आपने इक्वल डिस्टेंस रख के जो है वो क्लासेस लेनी होती है। तो यहाँ पे हमने लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12 का डिस्टेंस, ठीक है। ये जिस तरह हम सूटेबल देखते हैं क्वेश्चन में उस तरह ले लेते हैं। अगर ज्यादा डिस्टेंस हो, 100 का डिस्टेंस हो, यानी कि एक वैल्यू 100 में आ रही है, दूसरी 200 में आ रही है, डेटा बहुत ज्यादा लार्ज हो, तो फिर हम यहाँ पे 100-100 का डिस्टेंस भी ले लेते हैं, 1000 का भी ले लेते हैं, ठीक है। ये आपके डेटा पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपने क्लासेस ले लेनी है। अब यहाँ पे देखिए, आपके पास क्लासेस हैं 49.5 से 54.5 तक। अगली आपके पास क्लासेस हैं 54.5 से 59.5 तक, यानी कि ये चीज आपकी सेम है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 49.5 से 54 तक क्लासेस ली, फिर आगे देखें ये 54 से 59 तक है, तो आपने इसी को 54 से 59 तक लिख लिया, यानी कि दोबारा उस क्लास को रिपीट नहीं किया। क्लास बाउंड्रीज का ये फायदा होता है, हम रिपीट नहीं करते। फिर 59 से 64 तक है, तो आपने लाइन लगा के 59 से 64 तक लिख ली। फिर 64 से 69 तक क्लासेस हैं, फिर 69 से 74 तक हैं, 74 से 79 तक, इस तरह 99 तक जो है वो सारी क्लासेस एक्स एक्सिस पे ले लेनी है। अब इसके बाद आपने देखना है फ्रीक्वेंसी क्या है। क्लास बाउंड्री की हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे। अब देखिए, हमने फ्रीक्वेंसी देखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे 49 से 54 तक की फ्रीक्वेंसी है 1। हमने क्या करना है, 1 कहीं यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। हमने इस क्लास में यहाँ पे देखना है 1, तो यहां से यहां तक आपने 1 पे लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। और यहां से आपने क्लास पे इस तरह एक बार बना लेना है। फिर अगली फ्रीक्वेंसी है 59 से ये 2। अब देखना है 2 कहाँ पे आ रहा है, ये 2 है, तो यहां से आपने 2 तक एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और फिर यहाँ पे आपने इस तरह एक बार बना लेना है। फिर आगे आपने देखना है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 5। अब देखना है 5 कहाँ आता है, यहाँ पे इसके मिड में, तो यहां तक आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी नीचे से आपने देख लेनी है, ये है ये, यानी कि 59 से 64 तक देखे 5 है। इस तरह आपने सारे इस तरह देख के जो है यहाँ पे बार्स बना लेने हैं, और इस तरह से ये जो है वो आपके पास बार्स बन जाएंगे, और फिर आपने इसमें शेड कर लेना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास हिस्टोग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। द फॉलोइंग टेबल शो एज डायमीटर ऑफ मिलीमीटर्स ऑफ अ सैंपल ऑफ 60 बॉल। 60 बॉल्स का ये डाटा आपके पास गिवन है, कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसी टेबल में विद 6 क्लासेस, यानी कि इस पूरे टेबल की हमने 6 क्लासेस लेनी है। बिगनिंग विद स्टार्ट किससे करना है, 7.24 से, बाय यूजिंग इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं कह 7.24 से स्टार्ट करना है, और हमने 6 क्लासेस लेनी है। सबसे पहले आपने देख लेना है इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू को हम एक्स एम से शो करते हैं, जबकि सबसे छोटी वैल्यू को हम एक्स नॉट से शो करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी वैल्यू है आपके पास 7.46, ठीक है। तो हम कहेंगे एक्स एम जो है वो 7.46 है, ये है आपके पास हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। अब सबसे लोएस्ट वैल्यू हमने देखनी है, ये है, ठीक है। तो हम कहेंगे एक्स नॉट जो है 7.24 है। अब उसने कहा है कि 6 क्लासेस हमने बनानी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी में से सबसे छोटी को माइनस करके 6 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा हमने कितना क्लास इंटरवल लेना है, यानी कि एक से दूसरी क्लास में कितनी क्लासेस लेनी है, कितने नंबर्स लेने हैं। यहाँ पे देखिए, रेंज एक्स एम माइनस एक्स नॉट, सबसे बड़ी में से सबसे छोटी को माइनस किया तो आपके पास आ गया 0.22।
अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस हमारे पास गिवन है कि 6 लेनी है, ठीक है। और हमने फाइंड करना है क्लास इंटरवल, के क्लास इंटरवल क्या होगा। तो हम क्लास नंबर ऑफ क्लासेस को के से शो करते हैं जबकि क्लास इंटरवल को एच से शो करते हैं। अब क्लास इंटरवल का फॉर्मूला लगाएंगे और क्लास इंटरवल का फॉर्मूला होता है रेंज नंबर ऑफ क्लासेस। रेंज हमारे पास क्या थी, 0.22। आप डायरेक्ट ऊपर ये भी लिख सकते हैं 7.46 माइनस 7.24 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, लेकिन चूंकि हमने ऊपर रेंज निकाल ली है तो हम लिखेंगे 0.22 डिवाइडेड बाय 6। इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अब 0.22 को डिवाइड करें 6 पे, आंसर आपके पास आएगा 0.04। अब सबसे पहली वैल्यू हमने लेनी है, देखिए इसमें क्या 7.24, 7.24 में हम ऐड करेंगे 0.04। देखिए 7.24 से स्टार्ट किया, रेंज हमारे पास एच आया था, इंटरवल आया था 0.04, 7.24 में ऐड कर दें 0.04, ये आ गया, इसमें ऐड किया 0.04, ये आ गया, इसमें ऐड किया 0.04, ये आ गया, 0.04 ऐड किया ये आ गया, 0.04 ऐड किया ये आ गया। अब हमने इससे पिछली वैल्यू लिख लेनी है, 7.28 से पिछली वैल्यू होती है 7.27, आपने यहाँ पे इसका पिछली वैल्यू लिख लेनी है। फिर 7.32 से पिछली वैल्यू लिख लेनी है तो वो आपके पास आ जाएगी 7.31। फिर इस तरह हमने पिछली वैल्यूज लिखते जाना है और इस तरह जो है वो आपके पास सारी क्लासेस बन जाएंगी। अब ऊपर आपने डाटा देखना है, जिस तरह हम टैली लगाते हैं, ठीक है, सबसे फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या थी वहां टैली लगा देना है, फिर उससे अगली वैल्यू क्या थी आपने टैली लगा लेना है, टैली लगा के आपने फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है काउंट करके लाइक दिस। इस तरह से आपके पास आ जाएगा और टोटल जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो आपके पास 60 आ जाएंगी। आपके पास 60 वैल्यूज गिवन है, इट मींस आपका डाटा जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। डाटा गिवन है 40 स्टूडेंट का एट अ कॉलेज। कंस्ट्रक्ट करने आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट यूजिंग अप्रोप्रिएट क्लास इंटरवल, यानी कि वो कह रहे हैं अपनी मर्जी से आप क्लास इंटरवल ले लें, ठीक है, जितनी मर्जी क्लासेस बने। डाटा गिवन है सेम, उसी तरह सबसे बड़ी वैल्यू देख लेनी है, सबसे छोटी देख लेनी है। सबसे बड़ी वैल्यू 180 आएगी, सबसे छोटी 118 आएगी, ठीक है। रेंज निकाल लेनी है, सबसे बड़ी में से सबसे छोटी को माइनस किया 62 आ गया, ठीक है। अब हमें पता चल गया 62। अब हमने देखना हमने कितनी क्लासेस बनानी है, आपकी अपनी मर्जी है, आप जितनी क्लासेस बनाना चाह रहे हैं उस पर इसको डिवाइड कर लें। या हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है नंबर ऑफ क्लासेस निकालने के लिए 1+3.322 log n, ठीक है। अब n यहाँ पे क्या है, ठीक है, n है हमारे पास 40 स्टूडेंट्स हैं, ये 40 वैल्यूज हैं, जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होती है वो हमारे पास n होता है, तो log n लें, ठीक है, यानी कि 40 का log लें, 3.322 से मल्टीप्लाई करें, इसमें 1 ऐड करें, इस तरह पुट करके ये कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन आपके पास आ जाएगी 6.322। अगर हमारे पास 6.1 भी आ जाए तो हमने 7 लेना था, यानी कि 6 पॉइंट या 5 पॉइंट के आगे कोई एक वैल्यू भी ज्यादा आ जाए, इस डिजिट के आगे कोई 1.01 भी आ जाए तो हम जो है क्या करते हैं पूरी वैल्यू लेते हैं। 6.3 है तो हम 7 लेंगे, ठीक है, 6.01 भी होता तो हम 7 लेते हैं, क्योंकि हमारी कोई वैल्यू मिसिंग ना हो जाए इसलिए हम पूरी वैल्यू लेते हैं। थोड़ा सा डाटा एक्स्ट्रा ले लें उसका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जो है डाटा अगर कम आ जाएगा तो आपकी कोई ना कोई वैल्यू रह जाएगी, इसलिए हम कंप्लीट लेते हैं। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट 7। अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस आ गई, हमने क्लास इंटरवल निकालना है। क्लास इंटरवल निकालने के लिए क्या करते थे, रेंज को डिवाइड करते थे नंबर ऑफ क्लासेस पे। तो हम क्या करेंगे, रेंज को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ क्लासेस पे। रेंज हमारे पास 62 थी, नंबर ऑफ क्लासेस 7, 62 को 7 पे डिवाइड करें तो 8.86 आ जाएगा। यहाँ पे भी हमने कंप्लीट लेना है, 9 लेंगे, ठीक है, डिजिट कंप्लीट कर लेना है। 8 के आगे कोई भी वैल्यू आती है हम 9 ले लेते हैं, कोई भी माइनर सी वैल्यू भी अगर आती है तो हम इस डिजिट को जो है वो एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो 8 की जगह 9 ले लेंगे इस तरह। अब हमने क्लासेस बनानी है इस तरह, सबसे छोटी वैल्यू 118 थी, 118 से स्टार्ट किया, ठीक है, 118 में 9 ऐड किया ये आ गया, इसमें 9 ऐड किया ये आ गया, 9 ऐड किया ये आ गया, 9 ऐड किया, 9 ऐड किया और 9 ऐड किया गया। 127 से आपने पिछली वैल्यू लिख लेनी है, ठीक है, 126 आ गई, इससे पिछली वैल्यू 135 लिख लेंगे, इससे पिछली वैल्यू 144, इस सामने पिछली वैल्यूज लिखते जाना है, टैली लगा लेने हैं। फिर कौन सी, आप बहुत क्वेश्चंस में मैं पीछे बता चुकी हूँ इसलिए नहीं बता रही, सम कर लेना है, सिग्मा 40 आ जाएगा। अगर तो ये 40 आ गया, क्या 40 वैल्यूज गिवन है, तो हम कहेंगे हमारा जो
डेटा है वो करेक्ट है, यानी कि क्वेश्चन आपका ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, डेटा गिवन है, कंस्ट्रक्ट करनी है एफ कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग क्लासेस विद द विड्थ ऑफ 10, 10 की विड्थ लेनी है, वो ले ली। ठीक है, यहाँ मैंने दिया हुआ है 10 से 20 और 20 से 30 ही लेना है, 32 आएगा। ठीक है, इसके आगे आपने टैली लगा लेना है। ठीक है, 36 आएगा, 36 भी इसमें आता है, टैली लगा लेना है। टैली लगा के फिर कौन सी आपने आगे काउंट कर लेनी है, ये 16 आगे आप 6 लिख लेंगे, 16 6 लिख लेंगे, 10 थी 10 लिख लेंगे, इन सबको काउंट करेंगे 26 के टोटल वैल्यू 26 है। ठीक है, इसी तरह आपने ये सारा टेबल बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है, द क्लास मॉक ऑफ द एज ऑफ द सेल क्लर्क एम्प्लॉयड इन अ डिपार्टमेंट स्टोर आर, ये क्लासेस गिवन है। ठीक है, फाइंड द क्लास बाउंड्रीज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, आपने क्लास बाउंड्रीज निकालनी है। क्लास बाउंड्रीज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें से इस वैल्यू को माइनस करेंगे, 28 में से 18 को माइनस किया। ठीक है, आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ जाएगा 10। ठीक है, 10 को डिवाइड करेंगे हम 2 पे, आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है, अब क्या करना है, इस वैल्यू में से 5 माइनस करें, पिछली क्लास आ जाएगी, इस वैल्यू में 5 प्लस करें, आपके पास अगली क्लास आ जाएगी। इस तरह 18.5 में से 5 माइनस किया है 13.5 आ गया है, 18.5 में 5 प्लस किया है 23.5 आ गया। अब आपने इसमें भी ऐसे ही करना है, 28.5 में से माइनस करें 5, आपके पास आ जाएगा 23.5, ऐड करें तो आ जाएगा 33.5। इस तरह से फिर आपने इसमें भी ऐसे करना है, 5 माइनस करें पिछली क्लास आ जाएगी, 5 प्लस करें अगली क्लास आ जाएगी। इस तरह से यानी कि सारी क्लासेस में माइनस 5 करेंगे तो पिछली क्लास आ जाएगी, इस वैल्यू में अगली वैल्यू आपने निकालनी है, 5 प्लस करेंगे तो अगली क्लास आ जाएगी, और इस तरह से आपके पास क्लासेस आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 15 यहीं तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, द डेली एक्सपेंडिचर रुपीज इन एन ऑफिस आर ग्रुप इन टू अ टेबल हैविंग द क्लासेस, ये आपके पास गिवन है। फाइंड आपने क्या करना है, क्लास बाउंड्रीज, क्लास मार्क, क्लास इंटरवल। सबसे पहले हम क्लासेस लिखेंगे, ये जो क्लासेस गिवन है, क्लासेस है 100 से 159, ये 5 क्लासेस गिवन है। ठीक है, सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज निकालनी है, पीछे मैंने आपको बताया आपने क्या करना है, सेम वही काम यहाँ करेंगे, इस वैल्यू में से इसे माइनस करेंगे, 1 आ गया, 1 को डिवाइड करें 2 पे, आपके पास आ जाता है 0.5। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज निकालने के लिए आपने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज में से माइनस कर देना है 0.5 को, इन सारी वैल्यूज में प्लस कर देना है 0.5 को। ठीक है, जो आंसर आए ना ये वो करते हैं, 100 में से माइनस करें 0.5 को, 100 में से माइनस किया 99.5 आ गया, 149 में प्लस किया तो 149.5 आ गया। सिमिलरली 150 में से माइनस करें और 99 में 0.5 प्लस करें, आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। फिर 200 में से 0.5 माइनस करें, 199.5 आ जाएगा, 249 में 0.5 प्लस करें, आपके पास इस तरह ये सारी क्लासेस आ जाएंगी। अब क्या निकालना है, क्लास मार्क। क्लास मार्क के लिए क्या करते हैं, चाहे इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें, चाहे इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करें, आपके पास आ जाएगा 249, 249 को 2 पे डिवाइड करें, आपके पास आ जाएगा 124.5। फिर इन दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें, आपके पास आ जाएगा 174.5। इन दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें, आपके पास आ जाएगा 224.5। सिमिलरली इन पे भी आप यही काम करें, आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमने निकालना है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल पीछे भी बताया था, सबसे बड़ी वैल्यू देखते हैं, सबसे छोटी को माइनस करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में से इसे माइनस करेंगे, जिस मर्जी में से पिछली वैल्यू को माइनस कर लें। ठीक है, 324 में से इस वैल्यू को माइनस कर लेंगे, इसमें से यानी कि जिस मर्जी एक वैल्यू में से पिछले को माइनस कर लें, जो भी आपके पास आंसर आएगा वो होगा क्लास इंटरवल। चाहे आप इसमें से माइनस कर लें, 150 में से 100 को माइनस कर लें, चाहे इनमें से माइनस कर लें। ठीक है, यानी कि जिस मर्जी क्लास में से हम माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास क्लास इंटरवल आ जाता है। 150 में से भी हम माइनस कर सकते हैं,
174 में से भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है, माइनस करें आपके पास 50 इसका आंसर आ जाएगा। आप क्लास इंटरवल को ऐसे शो कर लेंगे, ठीक है, एक्स टू माइनस एक्स वन इसमें से माइनस किया और आंसर आ गया 50। आप एच में इनमें से भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है, आपका आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, राइट डाउन द क्लास बाउंड्रीज, क्लास मार्क्स एंड क्लास इंटरवल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। अब एक चीज मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, अगर तो इस क्लास से अगली क्लास गिवन हो, हम यहाँ पे हमारी एक क्लास मिसिंग है, सॉरी नहीं मिसिंग, 10 में से 9 को माइनस करें, जब आप नीचे लिखें क्लास वाइज इसे लिख लें ना, 4 से 9, 10 से 15 लिख लें, तो 10 में से 9 को माइनस करें 1 आ जाएगा, 1 को 2 पे डिवाइड करें 0.5 आ जाएगा, 0.5 को इसमें से माइनस करते जाएं, इस वैल्यू में प्लस करते जाएं, आपकी क्लासेस आ जाएंगी इस तरह से। 4 में से 0.5 को माइनस किया 3.5 आ गया, 9 में ऐड किया 9.5 आ गया। लोअर क्लास में से यानी कि आपने माइनस करना है, अपर में ऐड करना है, लोअर थी 10, 10 में से माइनस किया 0.5 ये आ गया, 15 में प्लस किया ये आ गया। अब सिमिलरली ये देखिए 2.1 गिवन है, 2.4 है, इससे नीचे लिख लें 2.5, 2.8, इसमें से इसे माइनस करें, ठीक है, आप 2.5 में से माइनस करेंगे 2.4, आपके पास आ जाएगा 0.1, ठीक है, 0.1, इसको आपने डिवाइड कर देना है 2 पे। जब आप 0.1 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो आपके पास आ जाएगा 0.05, ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा। अब आपने इस वैल्यू में से 0.05 को माइनस कर देना है, इसमें ऐड कर देना है, इसमें से लोअर में से माइनस कर देना है, अपर में ऐड कर देना है, इस तरह से आ जाएगा। इसमें से आप 2.1 में से 0.05 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2.05, इसमें ऐड करेंगे 0.05 तो आ जाएगा 2.45, अब इसमें से माइनस आप करेंगे 0.05 को तो आ जाएगा 2.45, और इसमें ऐड करेंगे तो 2.85, ये दोनों वैल्यूज आपने बराबर करनी होती हैं, हो गई आपकी। सिमिलरली इसमें से आप माइनस करेंगे, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.05, इसमें से 0.05 माइनस कर दें, इसमें ऐड कर दें, इसमें माइनस कर दें, इसमें ऐड कर दें, ये देखिए आपके पास ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पे आ गए हैं, अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे तो हमारे पास क्लासेस नहीं गिवन, आपने क्या करना है 12 में से 8 को माइनस करना है, 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 को आपने 2 पे डिवाइड कर देना है, 2 आ गया, ठीक है, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 12 में से 8 माइनस करें 4 आ जाएगा, 4 को 2 पे डिवाइड करें 2 आ जाएगा, 2 8 में से 2 को माइनस कर दें आपके पास आएगा 6, 8 में 2 को प्लस कर दें आपके पास आएगा 10, 8 में से 2 को माइनस किया 6 आ गया, 8 में 2 को ऐड करें आपके पास यहाँ 10 आ गया, ठीक है। सिमिलरली हमने 12 में से करना है, 12 में से 2 को माइनस करेंगे, ये देखें आपके पास 10 आ जाएगा, 12 में 2 को ऐड करेंगे आपके पास 14 आ जाएगा, ये देखें। इसी तरह 16 में से 2 को माइनस करेंगे 14 आ जाएगा, 2 को ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। क्लास बाउंड्रीज हमारी निकल गई, अब निकालने हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं, हर दोनों वैल्यूज को ऐड कर करके 2 पे डिवाइड करें आपके पास क्लास मार्क आ जाएंगे, और ये ऑलरेडी आपके पास क्लास मार्क हैं, ये देखिए इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया 6.5 आ गया, इन दोनों को ऐड करके किया 12.5 आ गया, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 2.5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2.65 आ जाएगा, 3 और 3 को ऐड करें ठीक है 0 आ जाएगा, क्योंकि दरमियान में माइनस है, एक प्लस का एक माइनस का है, प्लस माइनस 0 आ जाएगा, 0 को 2 पे डिवाइड करें आपके पास 0 ही आ जाएगा। फिर 4 और 10 को ऐड करें 14, 14 को 2 पे डिवाइड किया 7 आ जाएगा, और ये ऑलरेडी क्लास मार्क्स है, जो सिंगल वैल्यूज होती हैं वो आपके पास क्लास मार्क ही होती हैं। उसके बाद हमें निकालना है क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं, अपर में से अपर वैल्यू को माइनस कर दें या लोअर में से लोअर को माइनस कर दें, 10 में से 4 को माइनस करें 6 आ जाएगा, या 15 में से 9 को माइनस करें 6 आ जाएगा, यानी कि पहला क्लास इंटरवल है आपके पास 6, ठीक है आपके पास 6 आ गया। अब 2.5 में से 2.1 को माइनस कर देंगे, 2.8 में से 2.4 को माइनस कर दें आपके पास आ जाएगा 0.4, ठीक है। सिमिलरली 10 में से 3 को माइनस कर दें 7 आ गया,
इन दोनों में से जिसमें से मर्जी कर दें, 12 में से 8 माइनस कर दें या 16 में से 12 माइनस कर दें, आपके पास 4 आ जाएगा। मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी, कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसमें कोई बेहतरी चाहते हैं, किसी एक्सरसाइज का सोल्यूशन चाहते हैं, मुझे कमेंट में बता दें, वो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ और अपने सोशल मीडिया पे एक दफा जरूर शेयर करें। इस चैनल को लाइक कर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और अच्छा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।